Calculate the entropy change in melting of 1 gram of ice at 0 degree Celsius if latent heat of ice is 80 calorie per gram. हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है 1 ग्राम ऑफ आइस के लिए. पहले पर मोल कैलकुलेट करना था उस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे 1 ग्राम के लिए ही कैलकुलेट करना है एंट्रोपी. तो अगर 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है तो जो हीट है वो भी 1 ग्राम के लिए रखेंगे, टेम्परेचर भी वही रखेंगे. लेटेंट हीट यानी पर ग्राम कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, 80 कैलोरी. और टेम्परेचर कितना मेंटेन्ड है, आइस की मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.29 समथिंग, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.3 कैलोरी पर कैल्विन, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी 1 ग्राम के लिए पूछी थी इसलिए मैंने 18 से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करा. एंट्रोपी किसके लिए पूछी थी, 1 ग्राम आइस के लिए, और 1 ग्राम आइस कितना एब्जॉर्ब कर रही है, 80 कैलोरी. तो 80 अपॉन में टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन, विच कम्स आउट टू बी 0.3 कैलोरी पर कैल्विन.